हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10:30 बजे से। तो गाइस, आज है संडे। कई दिनों के बारिश के बाद आज का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, धूप भी बहुत बढ़िया खिली है। रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, आज का मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है और धूप भी निकली है, इसलिए मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज टप्पू को नहलाऊँ, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है ना वो। तो फिर चलो, सबसे पहले उसके लिए पानी गर्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे इसके बाद। तो गाइस, पानी तो गर्म हो गया टप्पू का, अब करते हैं उसको नहलाने की तैयारी। ये देखो गाइस, हमारे टप्पू को ठंड लगती है, इस वजह से हम उसको हमेशा गर्म पानी से नहलाते हैं। पानी तो ठीक ठाक हो गया, अब बनाते हैं उसके लिए शैम्पू। उसके लिए ना सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ता है, क्योंकि ना अगर उसको थोड़ा सा भी पता चल गया कि हम उसको नहला रहे हैं ना, तो वो रफू चक्कर हो जाता है, वो भाग जाता है, फिर हाथ नहीं पड़ता वो। इसलिए पहले सब ठीक ठाक करना पड़ता है, फिर उसको लेके आना पड़ता है। बहुत चालू है हमारा टप्पू। ये है उसका शैम्पू। और टाइम तो हमारा टप्पू ना खाना खाता नहीं है, जब हम उसको नहलाते हैं ना, तो उस दिन वो बहुत सारा खाना खा जाता है, क्योंकि उस दिन उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं कब से सोच रही थी कि टप्पू को नहला लूँ, लेकिन ना ये मौसम बहुत ही बेकार हो रहा था, रोज बारिश हो रही थी, आज पता नहीं कहाँ से धूप निकल गई। अब ले आते टप्पू को, ऐसे तो आएगा नहीं। अब सबसे पहले उसके लिए ढूंढते चैन। कहाँ रखा? गिरा, इसकी आवाज भी सुनेगा ना तो भाग जाएगा। देखते हैं पहले कहाँ छुप के बैठा है वो। यहाँ तो है नहीं, कहीं सुना तो नहीं उसने कि हम उसको नहला रहे, इसलिए भाग गया होगा। वो देखो गाइस, वहाँ पे छुप के बैठा है। रुक रुक रुक, ये देखो गाइस, पड़ गया शेर हाथ। ये देखो गाइज, सिर पिंजरे में फंस चुका है, इसको मैं बड़े मुश्किल से लेके आई हूँ नीचे, भाग रहा था।
ये देखो गैस गर्म पानी से नहाने के बाद भी कैसे सिकुड़ के खड़ा है यहाँ पे। इधर टपू आनी देखो गाइस मौसम फिर से खराब होने लग गया। अब लगती है टप्पू को ठंड। ये देखो गाइस कैसे देख रहा बेचारा, अभी तक कहाँ पहुंच गया होता, फंस गया बेचारा। टप्पू क्या हुआ, टप्पू क्या हुआ? कितना सीधा साधा हमारा टप्पू है, गुस्सा आ गया इसको। लो अब करो बात। टप्पू टप्पू देख सकते हो आप, टप्पू का तो नहाना धोना हो गया। अब मैं भी फटाफट से नहा लेती हूँ और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।